फिरोजाबाद में 71,43,00,000 की लागत से बनने वाले जिला कारागार भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ विधायक मनीष असीजा ने किया। जिला कारागार से मुलाकात भवन के निर्माण और विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायक मनीष असीजा के प्रस्ताव पर 71,43,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड संस्था को दी गई। निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को विधायक मनीष असीजा ने जिला कारागार परिसर में हवन यज्ञ के साथ आयोजित कार्यक्रम में किया। इस मौके पर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि समय समय पर जिला कारागार अधीक्षक और अन्य स्टाफ के साथ मुलाकात और चर्चा के बाद जिला जेल में अत्यंत आवश्यक और मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं पर चर्चा के बाद ये निकल कर आया है कि जिला जेल में बंदियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इसका जो कि मुलाकात भवन बना है वो बहुत छोटा है, जिसके चलते बंदियों से मुलाकात करने आने वाले आगंतुकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी धूप, वर्षा और सर्दी को भी झेलना पड़ता था। उनके द्वारा मुख्यमंत्री और कारागार मंत्री के समक्ष ये समस्या रखी गई, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार विभाग द्वारा 71,43,000 रुपए की ग्रांट स्वीकृत की गई, जिसके निर्माण कार्य का आज शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने जिला जेल के स्टाफ और बंदियों को संबोधित करते हुए कहा, यदि जेल के अंदर और भी कोई समस्या है तो उनके संज्ञान में लाई जाएगी, उसे भी वो पूरा करने का अथक प्रयास करेंगे। वहीं जेल अधीक्षक अनिल कुमार राय ने कहा कि थोड़े से समय की मुलाकात में विधायक जी को जो भी आवश्यक कार्य उनके द्वारा सुझाया गया, उन्होंने एक अभिभावक के रूप में उस कार्य को उम्मीद से पहले ही करा के एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी भावना है कि ऐसे कर्तव्य पारायण विधायक को और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी शीघ्र मिले, ताकि वे फिरोजाबाद जिले से बाहर की समस्याओं का निराकरण कराने में सफल हो सकें। विधायक जी, आज फिरोजाबाद जेल कारागार में किस तरह का भूमि पूजन किया गया? देखिए, ये आपके पीछे की तरफ ये जो है मुलाकात गृह है, जिसमें मिलाई होती है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, स्वागत जो है, जो हमारे कारागार हैं उसमें बंदियों की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा की संख्या में बंदी निरुद्ध है। उस कारण से सब जगह पर स्थान का अभाव सा रहता है। अब एक जो टेक्निकल कमी थी, जो मुझे जेल अधीक्षक महोदय ने बताई और जेल के जो प्रशासन ने मुझे बताया कि जो मुलाकाती आते हैं परिवार के लोग, तो वो जो मुलाकात घर है वो छोटा है, उसकी छत नीची है। अधिक लोगों के बैठने से आपस में एक दूसरे की आवाज़ टकराती है, और एक बंदी और मिलाई के बीच में सबसे बड़ी बात ही ये होती है कि यहाँ समाज और अपने परिवार से कटा हुआ व्यक्ति अपने से मिलने वाले से अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की, अपने समाज की, अपने इष्टजनों की कुशल क्षेम और उनके हाल अहवाल जानना चाहता है। और इसी प्रकार जो मुलाकात करने आता है वो अपने परिवार के सदस्य से पूछना चाहता है कि आपके यहाँ क्या, मतलब कैसे हो, क्या है। अब वो जो वार्तालाप है वो यहाँ के माहौल से हो ही नहीं पाता था। तो यहाँ पर हमने, यहाँ जिला अधीक्षक महोदय और उनके जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिया उसको हमने शासन में प्रस्तुत किया, और आज 71,00,000 रुपए की लागत का जो मिलाई घर है उसका विस्तार हो रहा है। और पुराने मिलाई घर पर जो छत है उस पर फॉल सीलिंग लग रही है। फॉल सीलिंग से क्या होता है, आवाज़ थोड़ी जो गूंजती है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि जैसा मुझे जिला अधीक्षक महोदय ने बताया है कि ये पहला एक प्रयोग है, और अगर ये प्रयोग हम लोगों का अच्छा सफल होगा तो ये पूरे प्रदेश के कारागारों में इसको करा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जो अन्य जो काम हुए हैं उनमें से कई काम ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश के किसी भी कारागार में नहीं हुए। जैसा जैसा हमारा ये सामुदायिक हॉल है, ये भी उसी श्रेणी में आता है। मैं आज यहाँ पूरे जेल प्रशासन को, मेरी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी, मेरे पार्टी के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता उपस्थित है, उन सबको, मेरी पार्टी के मुखिया, मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि से फिरोजाबाद जिले का समग्र विकास हो रहा है। इसके लिए हम माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। करीब 30 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, और आज तक शायद ऐसा विधायक मुझे नहीं मिला। हम लोग किसी काम से विधायक लेके आ जाते हैं और उनसे सहयोग का अनुरोध करते हैं, और
प्रयास करते हैं कि कुछ उनके सहयोग से जेलों में काम हो जाए। बहुत प्रयास के बाद एक दो काम विधायक दीदी से या उनके सहयोग से हो पाता है।